गॉड अब बस भी करो यार। ओह गॉड मेरी चीज में दर्द होने लगा हंसते हंसते। अरे अभी कहाँ, अभी तो मेन स्टोरी बाकी है। तुझे पता है मैंने जब उसको बोला कि तेरे हस्बैंड का प्रोफेशन क्या है तो बोलती है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, वो भी फॉरेन सेटअप के साथ। अच्छा तो फिर तूने पूछा नहीं कि उस बिजनेस का बड़ा सा बंगला कहाँ है? पूछा ना, यू डोंट बिलीव, जरूरी काम का बहाना बना के निकल गई। पता है एकदम बैंजी टाइप लग रही थी, कपड़े देख कर लग रहा था कि किसी लोकल मार्केट से खरीदे हो। माय गॉड सोनिया और लोकल कपड़े, सच में यार अब तो मेरा भी मन कर रहा है उससे मिलने का। हाँ तो मिलते हैं ना, रुको अभी कॉल करती हूँ उसे। इतना कहकर रुशाली ने अपनी पुरानी दोस्त सोनिया का नंबर अपने मोबाइल पर डायल कर दिया, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी जब सोनिया ने फोन नहीं उठाया तो उसने गुस्से से कहा, सच में यार ये सोनिया बड़ी चालाक है। अरे कितने भी चालाक हो हमसे नहीं जीत पाएगी, तू टेंशन ना ले, मैं पता लगाती हूँ उसके बारे में, अब तो इसे एक्सपोज करके ही रहेंगे। ये है मायशा, रुशाली और विशाखा जो अपने कॉलेज के टाइम की दोस्त सोनिया के बारे में बात कर रही हैं। दरअसल ये तीनों हमेशा से सोनिया से जलती थी, क्योंकि सोनिया शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। सोनिया के एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की ये तीनों कभी बराबरी नहीं कर पाई। दूसरी तरफ सोनिया भी अपने कॉलेज टाइम में अमीरी के नशे में चूर थी और अपनी महंगी चीजों को शो ऑफ करना उसे बहुत पसंद था। सच में यार सोनिया मान गए तुझे, ये कार पूरे शहर में सिर्फ तेरे पास है। हाँ तो आई डिजर्व द बेस्ट, पापा को पहले ही बोल दिया था मैंने, तो उन्होंने सीधे कार कंपनी से बात करके मेरे लिए ये फर्स्ट पीस ऑर्डर कर दिया। रियली इट्स ऑसम, चलो ड्राइव पर चलते हैं। क्या इसमें जाओगी और वो भी ऐसे, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अरे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि तुम तीनों बहुत ही एवरेज लग रही हो और मेरी इस लग्जरी कार में बैठने के लिए तुम तीनों को स्पेशल दिखना होगा, समझी? ओहो सोनिया तू ज्यादा हो गया, चल ना अब ऐसा करते पहले सैलून ही चलते हैं। लेकिन सैलून से पहले तुम लोगों को बेहतर कपड़े भी दिलाने होंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम तीनों ये थर्ड क्लास स्टफ कैरी कैसे कर लेती हो। सोनिया हमेशा ऐसा ही करती थी और उसकी ये तीनों सहेलियां सब कुछ समझते हुए भी उसके साथ ही रहती थी, क्योंकि सोनिया के साथ उन्हें भी लग्जरी लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता था। हालांकि दिल ही दिल में तीनों सोनिया से नफरत करती थी। और फिर सोनिया यार अमीर तो हमारे पेरेंट्स भी हैं, लेकिन तेरे पेरेंट्स की बात ही कुछ और है। सच में क्या वो कभी तुझसे तेरे खर्चों को लेकर कुछ नहीं पूछते? पूछते हैं बट मैं उन्हें रिप्लाई नहीं करती। बस मैं वो करती हूँ जो मुझे करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्व। सही है, लेकिन सोनिया जस्ट सपोज अगर तेरी शादी इतने अमीर घर में नहीं हुई तो तू कैसे मैनेज करेगी? अरे ऐसे कैसे, मेरे पापा बिजनेस टाइकून है और मैं उनकी इकलौती बेटी, तो वो मेरे लिए खुद से बेहतर ही किसी को ढूंढेंगे। तो तू अरेंज मैरिज करेगी क्या? अब वैसे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं इस बारे में, अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मुझे मेरे लायक लगे। सोनिया की ये सोच तब बदली जब वो विनेश से मिली। विनेश उसके पापा की कंपनी में जॉब करता था और बहुत ही मेहनती और डिसेंट लड़का था। जहाँ सारे लड़के सोनिया के दीवाने थे तो अकेला विनेश ऐसा था जिसने सोनिया को देखकर भी अनदेखा कर दिया और ये बात सोनिया के ईगो को हर्ट कर गई। और फिर एक दिन, व्हाट इज दिस विनेश, तू मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके उन मैसेजेस का रिप्लाई करना मेरे वर्क प्रोफाइल में नहीं आता मैम। नाउ एक्सक्यूज मी। नो यू कांट गो जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देते। बताओ मुझे विनेश, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या मैं खूबसूरत नहीं? देखिए मैम आप बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन मेरा आपको पसंद करने या ना करने जैसी कोई सिचुएशन मुझे क्रिएट ही नहीं करनी है, क्योंकि आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। ओह फॉरगेट दिस ऑल शिट, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैंने फैसला कर लिया है कि शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। विनेश सोनिया का जुनून बन चुका था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई सिवाय अपने पिता के। उसने विनेश से शादी करने की जिद पकड़ ली। कई दिनों तक चली बहस के बाद आखिरकार उसके और विनेश के रिश्ते के लिए सोनिया के पिता मान गए और उन्होंने विनेश को भी तैयार कर लिया। अब सोनिया बहुत खुश थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उससे वो बिल्कुल अनजान थी। देखो विनेश, तुम्हारे लिए मैं सिंपल कोर्ट मैरिज के लिए एग्री हो गई, लेकिन अब बस बहुत हो गया, हमें क्या जरूरत है इतनी गरीबी में रहने की? पापा ने ऑलरेडी मेरे नाम पर 2 फ्लैट्स लिए हुए हैं, हम वहाँ चलते हैं ना। और सुनो, यहाँ से कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पहले से ही सब कुछ है। नहीं सोनिया, तुमसे शादी के लिए मैं ऐसी शर्त पर राजी हुआ था कि मैं तुम्हारे पापा से कुछ नहीं लूंगा और तुम्हें मेरे घर में मेरे परिवार के साथ मेरे घर की आदर्श बहू बनकर रहना होगा। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, फैसला तुम्हारा है।
मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहती हो या फिर मेरे बिना अपने आलिशान फ्लैट्स में? सोनिया विनेश के छोटे से घर में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन विनेश से दूर भी नहीं रह सकती थी। उसने विनेश को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना तो अपना घर छोड़ने को तैयार हुआ और ना ही अपने परिवार को। हार कर सोनिया को ही एडजस्ट करना पड़ा। उसने घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना सब कुछ बंद कर दिया। यहाँ तक कि हमेशा नौकरों पर निर्भर रहने वाली सोनिया अब अपने ससुराल में घर के काम भी करने लगी, और ये सब सिर्फ विनेश की खातिर। विनेश भी सोनिया में आई इस बदलाव से बहुत खुश था। लेकिन फिर एक दिन अचानक सोनिया की मुलाकात उसकी पुरानी सहेली रुशाली से हो गई, जिसके बाद से रुशाली, मायशा और विशाखा तीनों सोनिया की खोजबीन में लग गई। और फिर सोनिया, आज पकड़ ही लिया तुझे हमने। अरे तुम तीनों यहाँ अब कैसी हो? हम तो बहुत अच्छे हैं, पर तुझे क्या हुआ? पहले बिना बताए बिना बुलाए शादी कर ली, और फिर उस दिन मेरी तो बहाना बनाकर निकल गई। फिर मेरा फोन भी पिक नहीं किया तूने। अब वो मैं बस वो। अरे कोई बात नहीं। अच्छा तो ये हुआ कि आज ही मिल गई, अभी कोई बहाना नहीं बना पाई। चल जल्दी से बता तूने गाड़ी कहाँ पार्क की है, सब तेरे घर चलते हैं, वहीं बैठकर गप्पे मारेंगे। अब नहीं, वो मैं कैब से आई थी और मेरा घर वो तो बहुत दूर है यहाँ से। अब फिर कभी प्लान करते। अरे ऐसे कैसे, आज हम तीनों फ्री हैं तो तेरे घर तो चलते रहेंगे, और गाड़ी में लाई हूँ ना। हाँ ये सही रहेगा, वैसे भी मौसम देखकर लगता है कि बढ़िया बारिश होगी आज, तो इसी बहाने तेरे कुक के हाथों के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय भी हो जाएगी। सोनिया अब कुछ नहीं कर सकती थी, उसे अपनी तीनों सहेलियों को अपने ससुराल लेकर जाना ही पड़ा, जो उस जगह से ज्यादा दूर तो नहीं था लेकिन एक बहुत ही कंजेस्टेड इलाके में। रास्ते में तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी। बारिश के बीच ही सोनिया तीनों को लेकर अपने घर पहुंची, जो उसके शादी से पहले के स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करता था। जिसे देखकर शिट, ये है तेरा ससुराल? ओहो इट्स सो सैड यार। सोनिया अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो हमसे बोल देती, हम तेरे लिए कुछ कर देते। हाँ बिल्कुल, चल कोई नहीं, अब यहाँ तक आई गए तो अंदर चलकर भी देख ही लेते हैं। इसके बाद सोनिया उन तीनों को लेकर घर के अंदर गई, और फिर अब तुम तीनों भीग गई हो, ये लो मेरे कपड़े अंदर चेंज कर लो, तब तक मैं चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ। क्या तू बनाएगी? अरे हाँ, जब घर के ये हाल है तो कोई नौकर कैसे होगा। लेकिन ये कपड़े सोनिया, तू ये कपड़े पहनती है? सॉरी बट हम तो ये नहीं पहन सकते, अब हम ऐसे ही ठीक है। सोनिया अच्छे से समझ रही थी कि उसकी तीनों सहेलियां उसके साथ क्यों आई हैं और क्या करना चाहती थी, लेकिन वो चुप रही। और फिर चाय पीते हुए, चाय तो बढ़िया है और पकौड़े भी, लेकिन जीजा जी कहाँ हैं? किसी बिजनेस ट्रिप पर गए क्या? अब सोचा तो था कि उनसे मिलकर जाएंगे, बट अब ये सब देखकर तू रह नहीं दे। सच में यार सोनिया, तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या थी तू और क्या हो गई? आहा चल, अब क्या हुआ कैसे हुआ ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इतना तो बता दे कि आगे क्या सोचा है तूने। आगे सोचा ये है कि अब बस और कोई झूठ नहीं बोलना है मुझे। देखो मैं जानती हूँ तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने यहाँ आई हो, लेकिन सच कहूँ तो अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जहाँ हूँ और जैसी हूँ बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे ससुराल में कोई कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि यहाँ मुझे वो मिला जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेरे पति और परिवार का प्यार, और जीने का सही सलीका भी मैंने यहीं आकर सीखा है, जो शायद अब तुम तीनों को भी सीख लेना चाहिए। और अगर तुम लोगों को यहाँ कोई दिक्कत है तो चाय और पकौड़े तो खत्म हो ही चुके हैं, यू कैन लीव। इस बार सब पकाने की बारी तीनों सहेलियों की थी, जो वाकई लाख कोशिश करके भी सोनिया को नीचा नहीं दिखा पाई, क्योंकि अब उनके सामने वो सोनिया थी ही नहीं जिसे वो जानती थी,